तुम्हारी हैसियत क्या है? एक से लेके दस तक अरबी में जिन्हें गिनती नहीं आती वो मुश्तहिदीन के फतवों पे तबसरा करते हैं। हमें इंतहाई वुसअत नजरी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बहुत नुकसान हो चुका हमारा, हमने बड़े जनाजे उठाए, हजारों जनाजे पाकिस्तान में उठाए। आप यकीन जानिए, मैं आपको अपने बच्चों को फार्मूला दे रहा हूं, जवानों को, कहीं लड़ाने की कोई बात कर रहा हूं ना, चाहे वो मेरे हुलिये में हो, या बगैर हुलिये के हो जी, तो आप समझें ये शैतान की आवाज है। लड़ाने वाला शैतान वाला होता है, जोड़ने वाला रहमान वाला होता है। खुदा के लिए मैं फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि हमें बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। एक अदाकार, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार, शोबिस के लोग जी मेरी मजलिसों में आते हैं, कराची में और जगहों पर, लाहौर में, इस्लामाबाद में जी, जब मिलते हैं तो लगता है कि कहीं देखा देखा, जाहिर है साइन बोर्ड पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जरूरी थोड़ी है कि मैंने कुछ कहीं जाके कुछ देखा हो जी। रोडों पे इन अदाकारों के साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट वाले, तो लगता तो है कि कोई जाना पहचाना सा, भाई कौन है, फला हूं मैं जी। तो किसी ने वो तस्वीरें खींच ली, वो डाल दी नेट पे और उसके नीचे कमेंट्स, फिर वो अलगार फारिग और फजूल लोगों के अलगार, फालतू लोग बैठे हुए होते हैं ना, तबसरे कर रहे होते हैं। तो उसमें किसी ने लिखा कि मौलाना को देखो, हराम काम कर रहे हैं, एक शोबिस के आदमी के साथ बैठे हैं। मैंने कहा, किसी ने मुझे कहा ये लिखा, मैंने कहा जी इसके नीचे तुम भी डाल दो। उनसे कहा मौलाना इतने बड़े आलिम नहीं है, तुम बहुत बड़े आलिम हो गए भाई। हद हो गई घुटनों की, तंग नजरियों की, बर्दाश्त करने को हम तैयार नहीं है। खुदा के लिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं अपने आप से कह रहा हूं, और कोई मुझसे खफा ना हो।